गुड मॉर्निंग। आज हम ME 306 सब्जेक्ट का यूनिट 3 पार्ट 3.5 दैट इज़ मिलिंग मशीन वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। नाउ व्हाट इज़ वर्क होल्डिंग डिवाइसेस? डिवाइसेस यूज्ड टू होल्ड वर्क ऑन मशीन टेबल इज कॉल्ड वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। It is necessary that the work should be properly and securely held on the milling machine table for effective machining operation. वो devices जिनकी सहायता से जो work है उसको machine की table पर पकड़ा जाता है उन्हें work holding devices कहते हैं। अब milling machine में जो machining operations हैं उनको accurate और effective तरीके से पूरा करने के लिए मशीन की टेबल पर जो जॉब है उनको सही और दृढ़तापूर्वक कसकर पकड़ना ज़रूरी है। अगर वर्क पीस को प्रॉपरली होल्ड नहीं किया जाएगा तो जो एक्यूरेसी ऑफ कटिंग है वो रिड्यूस होगी। तो जो इन मशीन में इन जॉब्स को पकड़ने के लिए विभिन्न टाइप्स के वर्क होल्डिंग डिवाइसेस काम में ली जाती हैं, दीज आर टी बोल्ट्स एंड क्लैम्प्स, एंगल प्लेट्स, वी ब्लॉक्स, वाइसेस एंड स्पेशल फिक्चर्स। एक एक करके हम इन सभी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। नाउ टी बोल्ट्स एंड क्लैम्प्स, bulky work pieces of irregular shapes are clamped directly on machine table by T-bolts and clamps. Different types of clamps are used for different patterns of work. जो T-bolts हैं उन्हें machine table पर जो slots बने रहते हैं उनमें डालकर प्रयोग किया जाता है। अब अगर heavy और इरेगुलर शेप्स के वर्क पीसेस हैं उन्हें टेबल पर सीधे ही टी बोल्ट से माउंट से बांधा जाता है और इनके साथ जो दूसरी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस हैं लाइक ब्लॉक एंड क्लैम्प उनको पहले से ही बांध लिया जाता है और फिर इनकी सहायता से जॉब को होल्ड किया जाता है। अब जो वर्क है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लैम्प्स को हम काम में ले सकते हैं। जो टी बोल्ट्स का डायामीटर है वो जनरली रेंज करता है फ्रॉम 15 to 20 mm। डायग्राम में दिखाया गया है, दिस इज़ द वर्क पीस, ये ब्लॉक है, दिस वन इज़ क्लैम्प। ब्लॉक, क्लैम्प और जो टी बोल्ट है उसकी हेल्प से हमने ये वर्क पीस को टेबल पर होल्ड कर लिया। जो टी बोल्ट है उसे टेबल पर जो टी स्लॉट है उनमें फिक्स किया जाता है। इस स्लाइड में जो पार्ट ए है वो शो कर रहा है कि टी बोल्ट को टी स्लॉट में मिलिंग मशीन में लगाया हुआ दिखाया गया है और जो बी पार्ट है उसमें टी बोल्ट की सहायता से जॉब को पकड़ा हुआ दिखाया गया है। ये स्लाइड में वेरियस जो वर्क होल्डिंग क्लैम्प्स काम में लिए जा सकते हैं उनके डायग्राम्स दिखाए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एंगल प्लेट, दीज आर यूज्ड फॉर सपोर्टिंग द वर्क व्हेन वर्क सरफेसेस आर टू बी मिल्ड एट राइट एंगल्स टू अनदर सरफेस। जो द एंगल प्लेट इज बोल्टेड ऑन टेबल एंड वर्क पीस इज सपोर्टेड ऑन इट्स फेस बाय बोल्ट्स एंड क्लैम्प्स। जब जॉब की जो दो सरफेसेस हैं वो 90 degree पर बनी होती हैं तो एंगल प्लेट इज यूज्ड। इसमें एक मशीन की हुई सतह को तो जो वर्क पीस है उसकी एक जो सरफेस मशीन है उसको तो एंगल प्लेट के द्वारा पकड़ा जाता है और जो दूसरी सरफेस है उस पर मशीनिंग की जाती है और जो एंगल प्लेट है उसकी सरफेस को टेबल के ऊपर नट और बोल्ट के थ्रू पकड़ा जाता है। तो और जो एंगल प्लेट्स हैं दीज आर मेड ऑफ कास्ट आयरन।
कुछ एंगल प्लेट्स, टिल्टिंग टाइप एंगल प्लेट्स होती हैं जिनके थ्रू अगर वर्क पीस को अगर जो जॉब है उसको पकड़कर हमें किसी एंगल पर झुकाकर मशीनिंग करनी है तो टिल्टिंग टाइप एंगल प्लेट्स की हेल्प से हम मशीनिंग कर सकते हैं. दिस वन इज एंगल प्लेट. एंगल प्लेट का एक सरफेस को तो हमने टेबल पर ये नट के थ्रू पकड़ा है एंड दिस वन इज़ वर्क पीस. तो जो वर्क पीस है उसकी ये वाली जो देखो सरफेस है उसको एंगल प्लेट पर नट के थ्रू पकड़ लिया है और हम इस दूसरी सरफेस पे मशीनिंग कर सकते हैं. इस स्लाइड में एंगल प्लेट और जो टिल्टिंग टाइप एंगल प्लेट है उसको दिखाया गया है. जो टिल्टिंग टाइप एंगल प्लेट है उसको ये देखिए ऐसे एंगल पर हम टिल्ट कर सकते हैं अगर वर्क पीस को किसी एंगल पर टिल्ट करके मशीनिंग करना है तो. द थर्ड वन इज वी ब्लॉक. वी ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर होल्डिंग सिलेंड्रिकल जॉब्स ऑन मशीन टेबल इन विच कीवेज, स्लॉट्स एंड फ्लैट्स आर टू बी मेल्ट. द ब्लॉक्स आर क्लैम्प्ड ऑन टेबल बाय स्ट्रैप्स एंड बोल्ट्स. वी ब्लॉक का जो यूज़ है वो सिलेंड्रिकल जॉब्स को पकड़ने के लिए किया जाता है और इनके ऊपर वेरियस मिलिंग ऑपरेशंस किए जा सकते हैं जैसे कीवेज, स्लॉट्स एंड फ्लैट्स. जो वी ब्लॉक है उसको बोल्ट्स और स्ट्रैप्स की सहायता से टेबल पर पकड़ सकते हैं. वी ब्लॉक के बेस में टंग बना होता है जिसकी जो कि वी ब्लॉक को का जो साइडवेज मूवमेंट है उसको प्रिवेंट करता है. इसमें दिस इज़ वी ब्लॉक और इसके ऊपर ये सिलेंड्रिकल जो वर्क पीस है उसको होल्ड किया है विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प एंड विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प. और यहाँ पे इसके जो बेस है वी ब्लॉक का उस पर टंग बना होता है जो इसके जो टेबल है उसके ऊपर ये इसके ऐसे साइडवेज मूवमेंट को प्रिवेंट करता है. नाउ नेक्स्ट वन इज वाइसेस. मोस्ट कॉमन डिवाइसेस फॉर होल्डिंग द वर्क ऑन मिलिंग मशीन टेबल ड्यू टू इट्स क्विक लोडिंग एंड अनलोडिंग अरेंजमेंट. जो वाइसेस हैं ये जॉब को पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं क्योंकि जो वाइस हैं उनको हम शीघ्रता से जल्दी से लगा सकते हैं तथा निकाल सकते हैं बेस पे लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं. जो तीन टाइप ऑफ वाइसेस काम में ली जाती हैं दीज आर प्लेन वाइस, स्विवल वाइस एंड यूनिवर्सल वाइस. प्लेन वाइस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वाइस एंड इज बोल्टेड डायरेक्टली ऑन द मिलिंग मशीन टेबल यूज्ड फॉर प्लेन मिलिंग ऑपरेशंस. जो प्लेन वाइस है उसे सीधे ही जो टेबल है मशीन की टेबल है उस पर डायरेक्टली ही बोल्ट के द्वारा कसा जाता है और इस वाइस का जो यूज़ है वो प्लेन मिलिंग ऑपरेशंस में किया जाता है. जो वाइस है उसके बेस में जो स्लॉट बना रहता है उसके थ्रू उसको टी बोल्ट के थ्रू टेबल पर हम क्लैम्प कर सकते हैं और जो वर्क पीस है उसे मूवेबल जॉ और फिक्स्ड जॉ के बीच में पकड़ते हैं. तो दिस इज़ द स्लॉट जिसमें हम टी बोल्ट लगा के इस वाइस को टेबल पर कस सकते हैं और ये दो जॉज हैं जिनके बीच में हम यहाँ वर्क पीस को होल्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्विवल वाइस. These are used to mill an angular surface in relation to straight surface without removing the work from vise. It is mounted on circular base graduated in degrees and the base is clamped on table by T-bolts. जो swivel vise हैं उनमें एक graduated circular base होता है जिसके ऊपर body mount होती है. जो vise की body है वो mount होती है और इसे बेस के साथ किसी भी एंगल पर बोल्ट द्वारा हम कस सकते हैं. और ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया है कि दिस इज़ द सर्कुलर ग्रेजुएटेड बेस जिसके ऊपर ये वाइस की जो बॉडी है उसको इस बोल्ट के थ्रू देखो होल्ड किया गया है और इसमें हम
किसी भी अगर एंगुलर सरफेस को मशीन करना है तो इस बेस के ऊपर जो वाइस है उसकी बॉडी को हम ऐसे किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं। इस स्लाइड में प्लेन वाइस और स्विवल वाइस के वेरियस पार्ट्स को दिखाया गया है। तो जो ये दो जॉज हैं, फिक्स्ड जॉ और मूविंग जॉ, उनके बीच में ये वर्कपीस को होल्ड कर लेते हैं और इस हैंडल की सहायता से हम मूविंग जॉ को खोल या बंद कर सकते हैं। जो स्विवल वाइस है उसमें ये स्विवल बेस है जिसके ऊपर इस वाइस को ऐसे किसी भी एंगल पर झुका सकते हैं। Now next is universal vice. These can be swiveled in horizontal plane and can also be tilted in any vertical position for angular cuts. जो universal vice होती हैं वो swivel vice के तरह ही horizontal plane में घुमाई जा सकती हैं, साथ ही साथ उन्हें vertical position में भी झुकाया जा सकता है। जो यूनिवर्सल वाइस है इनको टूल रूम वर्क में यूज़ किया जाता है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है इनकी डैट इज़ नॉट रिजिड। तो आप डायग्राम में देखिए, जो ये यूनिवर्सल वाइस है इसको ऐसे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें, तो देखो ये वाले बेस के थ्रू हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम ऐसे घुमा सकते हैं, साथ ही साथ इसको जो वर्टिकल पोजीशन है उसमें हम ऐसे टिल्ट भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द इसका प्लस पॉइंट कि अगर हमको वर्टिकल पोजीशन में कोई सरफेस को मशीन करना है तो बिना वाइस पे से रिमूव किए हम इसको टिल्ट करके वो सरफेस पे मशीनिंग कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज स्पेशल फिक्स्चर्स। दीज आर स्पेशल डिवाइसेस डिज़ाइंड टू होल्ड वर्क for specific operations more efficiently, specially useful when large numbers of identical parts are to be produced. तो जो special fixtures हैं ये special devices हैं जिन्हें work पर specific operations को efficiently करने के लिए work है उसको hold करने के लिए design किया जाता है। और इनका यूज़ जो है जब एक ही प्रकार के, मतलब एक ही प्रकार के जब जॉब्स को लार्ज नंबर्स में हमें प्रोड्यूस करना होता है तो स्पेशल फिक्स्चर्स को काम में लिया जाता है। और जिस जॉब पर हमको मशीनिंग करनी होती है उसी के अनुसार फिक्स्चर को तैयार कर लिया जाता है। इनका जो एडवांटेज है डैट इज़ कि इनके प्रयोग से जो पार्ट है उसका लोडिंग, लोकेटिंग, क्लैंपिंग एंड अनलोडिंग टाइम रिड्यूस होता है। डैट इज़ जो पार्ट है उसको बार बार खोलना, कसना और बांधने में जो समय लगता है वो मिनिमाइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल फिक्स्चर्स। सो दीज वर सम ऑफ द डिवाइसेस जिनके थ्रू मिलिंग मशीन पर वर्क को होल्ड किया जाता है। थैंक यू।